हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा स्पार्कलिंग ग्लिटरी गाउन शो करना है, कोई शीयर फैब्रिक का गाउन शो करना है और उसके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ शो करना है, तो वो आप कैसे शो कर सकते हैं। सो ये बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे बेस कलर से। सबसे पहले हम बेस कलर ऐड कर देंगे। मैंने इस गारमेंट में जो शीयरनेस शो करनी है वो मैंने लेग्स के अराउंड शो करनी है। सो जहाँ पे हमने शीयरनेस शो करनी है वहाँ पे हम स्किन कलर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने लेग्स के अराउंड शीयर मतलब शो करना है कि फैब्रिक शीयर है। सो आप देख रहे हैं कि मैंने स्किन कलर अप्लाई किया, लेग्स की शेप में मैंने स्किन कलर अप्लाई किया और उसके ऊपर मैंने फिर से बेस कलर अप्लाई कर दिया। स्किन कलर अप्लाई करने के बाद मैंने उसके ऊपर जो पिंक कलर है वो फिर से अप्लाई कर दिया और जो हमारा बेस कलर है वो हम लाइट ही रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं रखना। आप देख रहे हैं मैं पिंक कलर बहुत ही लाइट मैनर में अप्लाई कर रही हूँ। सो ऐसे ही अगर आपने जो शीयरनेस शो करनी है वो आर्म्स के अराउंड शो करनी है तो आप आर्म्स के ऊपर पहले स्किन कलर अप्लाई कर लेंगे, फिर उसके ऊपर जो आपका बेस कलर है वो अप्लाई कर लेंगे। और अब हम थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे गारमेंट को। उसके लिए हम उसकी सिलुएट के अराउंड डार्क कलर अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो सिलुएट है गारमेंट की मैं उसके अराउंड डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। कलर में बेस ही अप्लाई कर रही हूँ, पिंक कलर ही है, सिर्फ डार्क मैनर में अप्लाई कर रही हूँ। और साथ ही बेस कलर को लेके ही हम सारे जो फोल्स हैं वो भी हाईलाइट कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि हमने एक बेस क्रिएट करना है। सो सेंटर में हम सारा लाइट कलर अप्लाई कर देंगे और सिलुएट के अराउंड थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर देंगे और फोल्स को हाईलाइट कर लेंगे बेस कलर को ही डार्क मैनर में अप्लाई करके। सो ये मैंने पूरा गारमेंट जो है उसका बेस क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर वाटर अप्लाई कर रही हूँ। वाटर अप्लाई करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि हमेशा लाइट से डार्क की तरफ जाना है। मींस सेंटर में जहाँ पे हमने लाइट कलर अप्लाई किया है वहाँ पे हम वाटर अप्लाई करते करते बाहर की तरफ चल जाएंगे। और स्किन कलर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया और उसके ऊपर फिर वाटर अप्लाई किया ताकि जो मैंने स्किन कलर शो करना है वो वाटर अप्लाई करने के बाद छुप ना जाए या पिंक के साथ मर्ज ना हो जाए। इसके लिए मैंने स्किन कलर थोड़ा सा और अप्लाई किया था, डार्क किया था मैंने स्किन कलर को। सो पूरे गारमेंट पे हम वाटर अप्लाई कर लेंगे और फिर अच्छे से वाटर को ड्राई होने देंगे। सो गाइज, वाटर ड्राई हो गया। थोड़ी सी और फिनिशिंग ऐड करते हैं गारमेंट में। गारमेंट में हम जितनी फिनिशिंग ऐड करेंगे उसकी लुक उतनी अच्छी आती है। सो ग्लिटरी इफ़ेक्ट, स्पार्कल का इफ़ेक्ट क्रिएट करने से पहले हम गारमेंट का जो बेस है वो पूरा तैयार कर लेते हैं। और अब मैं डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे मैरून ब्राउन सा कलर लिया है और आप अपने कलर के अकॉर्डिंग, आप अपने बेस कलर के अकॉर्डिंग कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके बेस कलर के साथ जा रहा है। सो मैंने यहाँ पे डार्क कलर लिया और डार्क कलर से मैं फिनिशिंग ऐड कर रही हूँ, सिलुएट के अराउंड कलर ऐड कर रही हूँ, फोल्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ। सो अब हम ग्लिटर का इफ़ेक्ट ऐड करेंगे और उसके लिए हम कलर्ड पेंस लेंगे। मैंने यहाँ पे फाइन लाइनर्स यूज़ किए हैं, आप कोई भी कलर्ड पेंस यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सिंपल जेल पेंस हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो क्योंकि मेरा बेस कलर पिंक है इसलिए मैंने पिंक कलर का पेन लिया है। आपका जो बेस कलर है आप उसके अकॉर्डिंग पेन सेलेक्ट करके डॉट्स लगा लेंगे। जो वेस्ट तक का एरिया है वो मैंने पूरा भरा हुआ शो करना है, पूरा ग्लिटरी स्पार्कलिंग शो करना है। सो वो मैं पूरा ही भर दूँगी। सो अभी मैं वेस्ट तक पहले एरिया जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। सो मैं पहले पिंक कलर से डॉट्स लगा रही हूँ। अब हम इसमें डार्क कलर ऐड करेंगे। सो डार्क कलर के लिए मैंने ब्लैक लिया है, आप भी ब्लैक ही लेंगे। और बेस कलर से डॉट्स लगाने के बाद आप ब्लैक कलर से डॉट्स लगा लेंगे। सो मैं
वेस्ट तक ब्लैक कलर से डॉट्स लगा लूंगी, भर दूंगी पूरे गारमेंट को। ब्लैक कलर से डॉट्स लगाने के बाद फिर से मैं पिंक कलर ले रही हूँ और पिंक कलर से मैंने भर दिया, मतलब फिलिंग कर दी पूरे एरिया में, मैंने फिलिंग कर दी क्योंकि मैंने सीक्वेंस का इफेक्ट नहीं शो करना। सो हमें डॉट्स की पूरी डॉट्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हमें सीक्वेंस शो करना होता तो हम उसको डॉट्स तक ही रहने देते, बट मैंने सीक्वेंस नहीं शो करना तो इसलिए मैंने पिंक कलर को यूज़ करके फिलिंग कर दी। अब जो वेस्ट के नीचे का एरिया है वहाँ पे मैंने पूरा भरा हुआ नहीं शो करना, कहीं कहीं पे मैंने ग्लिटर्स लगे हुए शो करने हैं, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने ग्लिटर्स लगे हुए शो करने हैं। सो मैं वो पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ, पिंक पेन से ही क्रिएट कर रही हूँ। और आप भी, आपने जहाँ जहाँ पे जितने डिस्टेंस पे आपने ग्लिटर्स लगे हुए शो करने हैं वो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। सो अभी मैं सिंपल लाइंस मार्क कर रही हूँ पिंक पेन से अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब हमने जो लाइंस मार्क करी है इन्हीं को हम मोटा करेंगे। पहले हम बेस कलर को यूज़ करके ही मोटा करेंगे, जैसे मैं पिंक कलर को यूज़ करके ही लाइंस को मोटा कर रही हूँ। सो सारी लाइंस को मैं ऐसे ही मोटा कर लूँगी, पिंक कलर के साथ ही मैं सारी लाइंस को थोड़ा थिक कर लूँगी। पहले जो लाइंस लगाई वो बहुत ही बारीक लगाई, अब हम इन सभी लाइंस को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। सो ये मैंने सारी लाइंस कंप्लीट कर ली, पिंक कलर का काम ख़त्म हो गया। अब हम इन्हीं लाइंस के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। पहले भी हमने जो डॉट्स लगाई थी वो पहले पिंक से और फिर ब्लैक से लगाई थी, तो हमने ये जो लाइंस का पैटर्न बनाया है उसमें भी पहले हम पिंक कलर यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्लैक कलर। सो आपका जो बेस कलर है पहले आप वो बेस कलर यूज़ करेंगे और उसके ऊपर ये ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। उन्हीं लाइंस के बीच में, उन्हीं लाइंस के ऊपर ये ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे और बाकी का एरिया हम खाली ही छोड़ देंगे। वेस्ट तक का जो हमारा पैटर्न है और नीचे जो लाइंस का पैटर्न है दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे ताकि वो ऑड ना लगे। सो उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और हमारा जो अब ग्लिटर का इफेक्ट आना है वो वाइट कलर से आएगा। सो हम वाइट पोस्टर कलर यूज़ करेंगे, आप चाहे तो वाइट फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं और हम डॉट्स लगा देंगे। सो मैं यहाँ पे वाइट पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ, 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और वेस्ट तक तो मैं डॉट्स ऐसे ही लगा रही हूँ। जो वेस्ट तक का पैटर्न है उसमें मैं डॉट्स ऐसे ही लगा रही हूँ, कहीं कहीं पे स्पेस छोड़ते हुए। जो वेस्ट से नीचे का पैटर्न है उसमें हम डॉट्स लगाएंगे लाइंस के ऊपर, जहाँ पे मैंने लाइंस बनाई है उनके ऊपर मैं डॉट्स लगा रही हूँ। सेंटर में जो लाइंस के बीच में जगह खाली है उन पर मैं डॉट्स नहीं लगा रही। सो ये सिर्फ एक तरीका है ग्लिटर इफेक्ट शो करने का, क्योंकि जब हम डार्क के ऊपर वाइट कलर से डॉट्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा विजिबल होती है। इसीलिए जो मैंने पिंक और ब्लैक पेन को यूज़ करके लाइंस का पैटर्न बनाया वो इसीलिए बनाया ताकि जब हम उसके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ शो करें तो वो विजिबल हो। अगर सीधा बेस के ऊपर, पिंक कलर के ऊपर मैं डॉट्स लगा देती तो वो इतनी विजिबल नहीं होती। सो आपने भी अगर कोई ऐसा गारमेंट क्रिएट करना हो उस पर ग्लिटर इफेक्ट शो करना हो तो आप यही टेक्निक यूज़ करेंगे, इससे लुक अच्छी आती है गारमेंट की।
लास्ट में थोड़ा और ज़्यादा भरा हुआ शो करने के लिए हम सिल्वर पेन का यूज़ करेंगे। सिल्वर पेन से हम डॉट्स लगा लेंगे और जो वेस्ट तक का मेरा एरिया है वो ही मैंने ज़्यादा भरा हुआ शो करना है। सो मैं वो पूरे एरिया में सिल्वर पेन का यूज़ करके डॉट्स लगा रही हूँ, नीचे के एरिया में ज़रूरत नहीं है। सो आप भी सिल्वर पेन या गोल्डन पेन का यूज़ करके डॉट्स ऐड कर सकते हैं कमेंट को और ज़्यादा भरा हुआ शो करने के लिए। सो गाइज, मैंने पूरा गारमेंट कंप्लीट कर लिया और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है गारमेंट की। जो हमने ग्लिटरी इफेक्ट शो किया है वो कितना प्यारा लग रहा है। सो आप इस टेक्निक को यूज़ करके अच्छी सी इलस्ट्रेशंस बनाएं और मेरे साथ शेयर करें और माय इंस्टाग्राम पेज, द लिंक इज इन द बायो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।